Hello my dear students, how are you all? Today I am going to teach you your fifth chapter. Name is, क्या नाम है आपके fifth chapter का? Tables in MS Word. इससे पहले भी हम एक वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, तो अगर आप वो आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके या डिस्क्रिप्शन पे या प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। तो हमने पहले पढ़ा था कि टेबल्स क्या होते हैं, इसका ओवरव्यू लिया था, ठीक है। तो आज हम इसके आगे कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखो, आज हम पढ़ेंगे कि सिलेक्टिंग सेल्स रो कॉलम एंड टेबल, कैसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट ए सिंगल सेल, कि हम एक सिंगल सेल को कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, तो आपको पता ही है इंसर्ट पे आके टेबल में आके हम जितना चाहे उतना ड्रॉ यहां कर सकते हैं। तो मैंने यहां ये कुछ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसमें डेटा भी लगा देता हूं मैं, ए बी सी डी, ठीक है। ओके, एक कॉलम खाली रहेगी क्या, ये सी डी ई मैंने यहां कर दिया है। और यहां मैं कुछ डेटा यहां इनपुट कर देता हूं इसके अंदर। तो देखिए आप, यहां मैंने कुछ डेटा इनपुट कर दिया यहां, ठीक है, ठीक है। अब ये हम कह रहे हैं कि आपकी जो बुक में लिखा था कि सिलेक्ट ए सिंगल सेल, सिंगल सेल को कैसे सिलेक्ट करते हो। एक तो आप इस तरीके से सिंगल सेल को सिलेक्ट करते हो माउस के थ्रू, ठीक है, जैसे आप सिंगल सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन ये देखिए आपके पास ये ब्लैक वाला आएगा, ठीक है, ब्लैक वाला ऑप्शन आएगा। ये जो कर्सर है आपको ब्लैक दिख रहा होगा, यहाँ ए के आगे देखो ये जो हिल रहा है ये ब्लैक कर्सर दिखाएगा। इसको आप एक बार क्लिक करोगे तो आपका एक सिंगल सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या आता है आपका, सिलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल्स। अब रेंज ऑफ सेल्स को आप कैसे सिलेक्ट करोगे, कि आपको जैसे ये ब्लैक वाला दिखा आपने सिलेक्ट करा और आप आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो जैसे आप सिलेक्ट इसे कर सकते हो, ओके। तो ये आपको ऑप्शन ध्यान रखना है कि आपको कैसे कैसे इसे सिलेक्ट करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने देखा अभी कि हमने क्या क्या सीखा अभी तक, कि हमने कैसे एक सेलेक्ट एक रो को कैसे सिलेक्ट करा, ठीक है, एक सेल को कैसे सिलेक्ट करा। अब क्या कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे रेंज ऑफ सेल को। तो रेंज ऑफ सेल को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कि आपने जैसे ये आपका ब्लैक ऑप्शन आ गया है तो आप ऐसे रेंज कर सकते हो, इसको सिलेक्ट कर सकते हो, जितना आप चाहते हो उतना सिलेक्ट हो जाएगा आपके माउस के थ्रू, ठीक है, माउस बटन के थ्रू आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके आगे हम देखेंगे कि सिलेक्ट एन एंटायर रो, क्या सिलेक्ट ए एंटायर रो कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अब आपको पता ही है रो कैसे कहते हैं, रो ये जो वर्टिकल में है, ठीक है, तो इसको कैसे सिलेक्ट करना है, ये आपका ब्लैक ऑप्शन आ गया, आपको इसे लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको आगे ले आना है तो आपके सिलेक्ट हो जाएगा रो, ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कि आपको ये ब्लैक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, फिर इसको प्रेस करके लेफ्ट बटन प्रेस करके फिर आप ऐसे इसको आगे ले आओ, तो जहां तक आप ले आओगे वहां तक ये सिलेक्ट होता जाएगा। अब क्या है कि टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम, आपको एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपके बुक में भी लिखा है कि टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। कैसे हम सिलेक्ट करते हैं एक एंटायर कॉलम को, कि आप एक तो आपको ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके और ये आप नीचे ले आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट हो जाएगा आपका एंटायर कॉलम, आपका सिलेक्ट हो जाएगा, आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट आप कर सकते हो। ये आपको ब्लैक ऑप्शन मिल गया है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये ब्लैक दिख रहा है आपको ब्लैक करो, तो ये आपको ब्लैक करो मिल जाएगा। आपको फिर नीचे वाला कर्सर ऐसे दबाना है फिर आपका ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपका आ रहा है टू सिलेक्ट एन एंटायर टेबल, आप एंटायर टेबल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो एंटायर टेबल को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो कि आप क्या करोगे, यहां क्लिक करके कंट्रोल प्लस ए करोगे तो आपका सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, कि इसमें भी ऐसे ही आपका ब्लैक रो आएगा और आप इसको पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो सब आपके सिलेक्शन का प्रोसेस था। अब आएगा आपका मॉडिफाई ए टेबल, आप ध्यान से पढ़ते रहिए, अपने बुक को भी ओपन रखिए,
तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा कैसे मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो आपका है मॉडिफाई ए टेबल। मॉडिफाई ए टेबल में आपका आ रहा है कि एडिंग रो एंड कॉलम इन ए टेबल। आप कैसे ऐड कर सकते हो रो एंड कॉलम को। ओके, तो अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर टेबल पे आएंगे। टेबल में आके आपका आ रहा है इंसर्ट टेबल। ठीक है, क्या आ रहा है, इंसर्ट टेबल आ रहा है। इंसर्ट टेबल पे तो आप क्या करोगे कि आप इंसर्ट टेबल पे यहाँ क्लिक करोगे और आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कितने रो लेने हैं, कितने कॉलम लेने हैं, तो आप उसको कर सकते हो बिल्कुल ईजिली। और सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि टेबल को आप क्लिक करो और आप ड्रॉ टेबल पे जाओ। अब ड्रॉ पे गए तो आपको ये पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, पेंसिल का आइकन। तो आप जैसे कि मुझे एक रो क्रिएट करनी है, ठीक है, क्या करनी है, रो क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ एंड पे सिलेक्ट करा और मैं यहाँ तक आ गया। तो देखिए आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, क्रिएट हो गया, और यहाँ मैं इसके बीच में लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लिया। ओके, ये आपको पता चल गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपने टेबल को क्रिएट सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। कौन कौन से मिल जाते हैं, एक मिल जाता है डिजाइन, एक मिल जाता है क्या, लेआउट। ठीक है, डिजाइन भी मिल जाता है और लेआउट भी मिल जाता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे ही मैं कहीं और क्लिक करता हूँ ना, तो वो डिजाइन और लेआउट हिडन हो जाते हैं, और जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये डिजाइन और लेआउट दिख जाता है, आपको दिख रहा होगा। तो आपका क्या है कि आपने उसमें लिखा है इंसर्ट अबव कि आपको जैसे कि एक है, इसके ऊपर आपको एक और क्रिएट करना है, एक रो क्रिएट करनी है, तो आप किस पे आओगे, लेआउट पे आओगे। तो आप यहां लिखोगे इंसर्ट अबव, दिख रहा है आपको, आपको यहां चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो ये सब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं अगर इंसर्ट अबव कर देता हूं तो यहां देखो, यहां आपका एक और ऑप्शन, आपको एक रो और मिल गई है। तो यहां मैं आपको डाटा इनपुट करके दिखाता हूं। ठीक है, ये मैंने डाटा इनपुट कर दिया, इसमें दिखा आपको कि हमारे पास पहले ए के बाद वन ही था, तो हमने एक इंसर्ट अबव कर दिया है। अब दूसरा ऑप्शन क्या आपका, इंसर्ट बिलो। अब एक क्या बात है कि जो ये वन है, वन के नीचे टू है, इसके बीच में तो कोई गैप नहीं है ना, इसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो अब मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे मैं इंसर्ट बिलो करूंगा। मैंने सेलेक्ट कर दिया ये जिसके नीचे आपको लेना है, पहले आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो सेल, तो हमने ये सेल सेलेक्ट कर दिया। अब इसके ब्लो में, इसके नीचे मुझे एक इंसर्ट करना है रो, तो यहाँ ये इंसर्ट ब्लो का आपके पास ऑप्शन है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ एक और ऑप्शन आ गया है, देखिए आपको ये, अब जो 36 जहाँ लिखा है ये मैंने अभी क्रिएट करा है आपके सामने। अब क्या है, अब मैंने ए को, ए और बी है, ये हमारे क्या है, कॉलम है, तो इस कॉलम में हमें एक और कॉलम ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे एक बार और बता देता हूँ आपको अच्छे से, कि जैसे ही देखो, जैसे आपके टैब दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको ओम, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिफ्रेश, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। अब जैसे ही मैं टेबल पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास व्यू के आगे दो और ऑप्शन मिल गए हैं टैब, एक डिजाइन का, एक लेआउट का। लेआउट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये रो एंड कॉलम नाम का एक टैब और मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है। तो इसमें जैसे ही जिस कॉलम के आगे आपको कॉलम इंसर्ट करना है, तो वो कॉलम आप सेलेक्ट करोगे, उस सेल में कहीं भी सेलेक्ट कर देंगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ 36 पे सेलेक्ट कर दिया है। अब मुझे बी से पहले एक और रो लानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ इंसर्ट क्या करना है, मैं लेफ्ट करना है, तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे हम। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो देखिए एक और हमारे पास क्रिएट हो गया है यहाँ, तो मैं इसका नाम देता हूँ के। तो के हमने अभी क्रिएट करा है, ठीक है, के हमने क्रिएट करा है, तो इसमें भी मैं इनपुट कर देता हूँ डेटा। ओके, अब क्या करना है हमें, अभी तो हमने लेफ्ट करा क्योंकि 36 से इधर लेफ्ट हुआ ना, तो लेफ्ट का क्रिएट करा है हमने रो। अब हम क्या करेंगे, राइट में क्रिएट करेंगे। अब राइट में मैं करता हूँ इधर से,
आप देख सकते हो सी और डी के बीच कोई और कॉलम नहीं है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट राइट। तो इंसर्ट राइट जैसे मैं क्लिक कर दूंगा वैसे ही देखो सी और डी के बीच में एक और नया कॉलम हमें मिल गया है। ठीक है, हमें कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका नाम रखता हूँ मैं टी। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर दिया। ओके, ये भी क्रिएट हमने कर दिया। अब देखो अब क्या सीखेंगे हम, अब सीखेंगे हम कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं एक रो को एंड कॉलम को। ये आपका आज लास्ट आपका क्या है टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखिए आप कैसे कर सकते हैं हम डिलीट। डिलीट करने के ऑप्शन आपके पास दो तरीके से हैं, कैसे कैसे वो भी बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो। कि सबसे पहले हम यहाँ इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद हम टेबल पे गए। टेबल में यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे ही आप ड्रॉ का ऑप्शन करोगे वो कुछ भी ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ ड्रॉ कर लिया तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल गया डिजाइन में इरेजर का। तो इरेजर की मदद से आप कुछ भी सिलेक्ट, ये जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया इरेजर की मदद से, तो ये जैसे ही मैं कर देता हूं तो वैसे ही ये डिलीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार और समझ लो कैसे करा हमने, कि हमने यहां सिलेक्ट करा, टेबल सिलेक्ट करी, टेबल सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक डिजाइन का आ जाता है एक लेआउट का आ जाता है। तो डिजाइन पे हम गए, डिजाइन पे आपको इरेजर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां क्या करोगे आप, इरेजर पे क्लिक करोगे और यहां यहां आपको ये इरेजर मिल जाएगी। तो आप जो सिलेक्ट करोगे इससे लेफ्ट क्लिक करके आप सिलेक्ट करो, ठीक है, लेफ्ट क्लिक आपको दबाए रखना है, प्रेस करके रखना है। तो आप जैसे ही प्रेस करके रखोगे और सिलेक्ट करोगे तो जैसे ही हमारी रो है जो मैंने सेलेक्ट करी हुई, जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक छोड़ दूंगा वैसे ही ये डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट। आप कैसे भी इसको रो भी क्लिक कर सकते हो, कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। अभी तक हमने रो डिलीट करा, अब मुझे कॉलम डिलीट करना है। जैसे कि मैं ये डी वाला कॉलम डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखूँगा फिर इसको नीचे 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 करेंगे, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये पूरा डिलीट हो गया है। तो ये बहुत सिंपल था आपका, हमने आज क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं रो एंड कॉलम को, ये जैसा आपका ये है, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं रो एंड कॉलम को, कैसे हम टेबल में सेलेक्ट करते हैं, कैसे सिंगल सेल सेलेक्ट करते हैं, कैसे रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट करते हैं, एंटायर रो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, एंटायर कॉलम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम, एंटायर टेबल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और मॉडिफाई करना सीखा हमने कि कैसे हम मॉडिफाई करते हैं टेबल में, कि हम कैसे रो इसमें इंसर्ट करें लेफ्ट में राइट में, कैसे कॉलम कर सकते हैं हम लेफ्ट और राइट में, ठीक है, और इंसर्ट हम कैसे एबव और ब्लो कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये लेआउट है, लेआउट में ये सब सीखा हमने, इंसर्ट एबव, इंसर्ट ब्लो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, तो ये सब आज हमने सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो डिलीट भी हम कैसे कर सकते हैं वो भी हमने सीख लिया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इतना ही सीखा, तो आप अच्छे से वीडियो देखिए और सीखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।